5 महीने तक पूरा देश सुलगता रहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज खुद गृह मंत्री आकर ये कह रहे हैं कि देने का नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है, लेकिन भ्रम में तो था ना पूरा देश पे। देखिए रूबिका जी, आज मेरे एक पत्रकार मित्र ने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि ये सीए को लागू करके ये सरकार ने विपक्षी तंबू में ऊंट खड़ा कर दिया है। अब वो उनका तंबू पूरा धाराशाही हो रहा है। देखिए एक बात बताऊं, अभी कौशिक जी जो बात कर रहे थे, भाई ये कानून तो बन गया 2019 में और ये कानून दोनों हाउस ने पास किया हुआ है। इस देश में इवन फंडामेंटल राइट के बारे में भी हिंदुस्तान की संसद अगर कोई कानून बना सकती है, तो अगर आपको विरोध करना था तो 5 साल विरोध करते, अब तो उसको लागू करने के कुछ तौर तरीके कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आज बेसिकली उस कानून पर ये सवाल उठाने का क्या लॉजिक है कि ये कानून गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी बातें कल भी मैंने केजरीवाल की पूरी पीछे सुनी, आज भी, कल केजरीवाल ने एक शब्द कहा था कि हमारे पड़ोस के गरीबों को कोई देश नहीं आने देता, हम उन गरीबों को आने दे रहे हैं। एक केजरीवाल जो गरीबों के नाम पर सत्ता में आए, इस तरह से गरीबों के नाम पे मुंह बिचका रहे थे कि वे गरीब, एक बार नहीं आज अमित जी ने कहा ना कि हमारे ही भाई, कोई भाई उधर रह गया है सोच करके से बोल रहे थे हमारे अच्छी जिंदगी जाएगी। जूही जी भी हमारे साथ यहाँ पर, जूही जी वो ऐसे बोल रहे थे जैसे बस अब दरवाजे खोल दिए जाएंगे और सैलाब आ जाएगा। ये तो झूठ है ना, ये तो भ्रम है जूही जी, सैलाब नहीं आएगा। 2014 31 दिसंबर से पहले जितने लोग थे उनको नागरिकता प्रदान करेगा ये कानून, जो 11 साल पूरे कर चुके हैं। रूबिका जी, मैंने गृह मंत्री जी का अभी साक्षात्कार सुना और जो कठिनाइयां सीए में है या वो क्यों प्रभावी नहीं होगा, उसमें क्या विरोध है, वो उन्हीं के खुद के स्पीच में आपको दिखेगा। हमारे पास पहले भी सिटीजनशिप कानून था जिसमें हम 11 वर्ष पे नागरिकता देते थे, अब वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं, एंड रिमेम्बर 2014 से पहले जो लोग आए हैं जिनको जो भी संज्ञा दी जा रही है, किसी के द्वारा घुसपैठ है या किसी के द्वारा कि हम एग्जामिन करेंगे कि वो थ्रेट हो सकते हैं कि नहीं, आप उनको ऑटोमेटिकली कुछ वर्गों को आप और कुछ ही देशों से आए लोगों को आप नागरिकता 6 साल में या 5 साल में दे रहे हैं। दूसरी बात कि प्रोसिक्यूशन तो अन्य देशों में भी हो सकता है, उन्हीं माइनॉरिटीज का जिनको आप कहते हैं हो सकता है, तो वहां से आए लोगों को भी आप नागरिकता दे दीजिए। हाँ। और जब एक ऑलरेडी कानून था तो नया कानून लाने की आवश्यकता क्या है, एग्जेम्पशंस तो आपने उसमें भी दिए हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगी कि अभी आंकड़े दिए गए कि कम होती जा रही है पॉपुलेशन कहीं कहीं, फिर हमारे ही गृह मंत्री ने कहा क्योंकि सब लोग आ चुके हैं भारतवर्ष में, इसलिए हाँ। किन्हीं देशों में पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है। हाँ। तो अपनी जस्टिफिकेशंस वो खुद ही दे रहे हैं, आवश्यकता क्या है इस कानून की, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है शहजाद पूनावाला, वन बाय वन। उन्होंने कहा कि कुछ ही देशों को क्यों, आपको पता है कि 90s में केवल तमिलियंस को आने के लिए हमने एक संधि की थी, तो उस समय पूछा जा सकता था केवल श्रीलंका से तमिलियंस को क्यों, 50 के दशक में नेपालियों को आने की संधि की थी। सुन लीजिए जूही जी, आप बीच में नहीं बोलती, आप अपनी बड़ी बहन है जूही जी, इस प्रकार से इंटरप्शन वाली रूबिका डिबेट में ऐसे नहीं हो सकता, मेरे हर बारी में कोई इंटरप्ट कर रहा है, ये तरीका नहीं। नहीं रूबिका, मैं इस प्रकार की डिबेट करता ही नहीं, मैं अपना पूरा ऑडियंस को समझ नहीं आता रूबिका, ऐसे मत करो। पीछे चले जाते हैं कि 19 में ये नहीं हुआ इसलिए हम आज ये करेंगे। जूही जी आप पूरा बोल लीजिए, उसके बाद मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, केवल आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। जूही जी आप बोल लीजिए, खलास निकाल लीजिए, उसके बाद मुझे इंटरप्ट ना करें। जूही जी आप दोनों को मौका दूंगी, ठीक है? आपने जो सवाल पूछा है कोई भड़ास नहीं है। हाँ। मैं तर्कसंगत बात करती हूँ ना, आपकी तरह मुझे शौक है कोई भड़ास निकालने का, मैं नागरिक हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ तर्कों के साथ आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए जूही जी, उपेक्षा है, ये कह रहे हैं आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब वो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन लीजिए एक बार जी। देखिए जूही जी आप अपने समय पर बोलिए, आपने 1-1.5 मिनट बोला, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप नोट करके बोलिए ना, प्लीज डोंट इंटरप्ट। बिल्कुल बोलें, प्लीज गो अहेड। ओके
देखिए अतिक्रमण की आप लोगों की पुरानी आदत है ही, शाहीन बाग में भी आपने अतिक्रमण को जस्टिफाई किया था, उस समय अखिलेश जी ने कहा था कि सीए कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए फिर से बीच में बोल पड़ी जूही जी, थोड़ा सही है आज पर बोल लीजिए। अच्छा आप नोट कर लीजिए ना जूही जी, उसके बाद आपको काउंटर का मैं पूरा मौका दूंगी, एक बार आप बोल लेने दीजिए, उसके बाद ऑडियंसेस का नुकसान हो जाता है। शहजाद अपनी बात रखिए। अब जूही जी 40 सेकंड दे दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जी जी मैं भी आपको शो बर्बाद कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब केवल तमिलियंस के लिए व्यवस्था की तब क्या दूसरे देशों से डिस्क्रिमिनेट किया गया? जब नेपालियों के लिए की तो क्या डिस्क्रिमिनेट किया गया? आप कह रही है विभाजनकारी है, तो महात्मा गांधी ने इसकी पैरवी की थी, तो महात्मा गांधी विभाजन चाहते थे, और आज भी अगर ये विभाजनकारी है, टाइमिंग गलत है, तो उद्धव सेना काहे इसके सपोर्ट में? सुन लीजिए पूरी बात जूही जी। और आखिरी बात, आप टाइमिंग को लेकर कह रही है, तो आप यूपीए की सरकार का हिस्सा थी, मनमोहन सिंह 2003 में पैरवी कर रहे थे, तभी कर लेती तो हमारे पास ही नौबत नहीं आती इसको करने की। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज आप कह दीजिए कि रोहिंग्या जो ज्यादा संख्या में है उनको बाहर करना चाहिए देश के, आप पहले अपना ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड रखिए, क्योंकि एसटी हसन और शफीकुर रहमान भारत रोहिंग्याओं को बसाने के पक्ष में होते थे। ओके जूही जी, इस पर जवाब दीजिए। शफीकुर रहमान नहीं है तो आप रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है पर पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं धड़कता। और उसके बाद जो यहाँ पर प्रताड़ित धर्म जो अलग अलग इन देशों में थे, वहाँ से जो लोग यहाँ आए हैं, मेरे सहयोगी मनोज के साथ वो लोग मौजूद है, मैं जनता के सामने वो बात रखूँ, उससे पहले आप बता दीजिए रोहिंग्या को लेकर आप लोगों का टेक क्या है, उनको भी यहाँ से चले जाना चाहिए वापस?